हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू माय स्टडी ब्लॉग। तो ये 21 डेज हार्ट चैलेंज का फर्स्ट डे है। तो सबसे पहले आप लोग सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज 26 है और मैं आज से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, स्टडी ब्लॉग। तो ये डे वन है चैलेंज का, 21 डे हार्ट चैलेंज का। तो मेरा मॉर्निंग हो चुका था, मैं 5 बजे उठ गई थी और पानी इतना ठंडा था, बट फ्रेश तो होना था तो मैं फ्रेश हो गई हूँ। और बाहर का व्यू देख सकते हो आप लोग, 5 बजे आया, चंदा मामा दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं पानी गर्म कर ली हूँ और पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो मैं इसे लेके अपना स्टडी टेबल पे आ जाऊँगी और अपना वोकैब सेशन स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग टाइम देख सकते हो, 5:17 यानी 5:20 हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो अपना स्टडी टेबल लेके मैं बेड पे आ गई हूँ, कम्बल ओढ़ के बैठ गई हूँ, क्योंकि नीचे बैठना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था इसी वजह से ही। और आप लोग देखोगे कि मैं सॉक्स 2 डिफरेंट पहनी हुई थी, क्योंकि मेरा एक सॉक्स भींग गया था तो रूम पर ही पहनना था, तो उतना मैं माइंड नहीं की, पहन ली। तो आप लोग ज़्यादा माइंड मत करना। और 21 डेज हार्ट चैलेंज में मैं क्या करने वाली हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो में आगे बताया गया है, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहें। मेरा वो कैफ सेशन एंड हो गया है और इसके बाद मैं थोड़ा सा योगा की हूँ, क्योंकि योगा करना ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ के लिए, तो मैं योगा कर ली हूँ। योगा करने के बाद 8:15 हो चुका था, क्योंकि मैं क्लास की थी वो कैब का। पहले मैं अपने खुद से मैं की, उसके बाद मैं एक क्लास की जिसमें वो कैब के बारे में, वो कैब को अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो एक सर हैं, उन्हीं से मैं की हूँ, उनका 8 आवर का मैराथन है, तो उसमें सारा नीतू मैम का बुक का वो कैब बता दिए हैं, तो मैं उसी से की हूँ। उसके करने के बाद मैं रीजनिंग करना स्टार्ट की क्लास, इसमें मैं लेटर स्टिच कर रही हूँ पीस वार्सनी सर से। तो वीडियो में कंटिन्यू रहे आप लोग। और आज का वीडियो ये जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ स्नान करके और मेरा लंच हो चुका है, सारे काम मैं अपना निपटा ली हूँ, उसके बाद मैं स्टडी टेबल पे आ गई हूँ और मैं फिर से रीजनिंग क्लासेस करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये जो 21 डे हार्ड चैलेंज है मेरा, तो इसमें मैं रीजनिंग का सिलेबस और वो कैब करूँगी कम्प्लीट। 1 मंथ में मुझे रीजनिंग का सिलेबस एंड करना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं और मेरा सिलेबस बिल्कुल अनकम्प्लीट है। मैं अभी स्टार्टिंग की हूँ कुछ ही मंथ से, तो मैं फिर से अभी रेगुलर स्टार्ट कर दी हूँ। बहुत प्रॉब्लम आ रही है बीच में, मोबाइल को लेकर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो अभी मैं वीडियो रेगुलर करूँगी। बीच में मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, ठंडी लग गई थी, तो अभी मैं वीडियो रेगुलर करूँगी, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है उसके पास जो लैपटॉप है उससे मैं अभी यूज कर रही हूँ, तो वीडियो बनाने में आसान हो जाएगा। और मैं इसमें 21 डे हार्ड चैलेंज में रीजनिंग का सिलेबस और वोकैब का जितना भी पोर्शन है मैं सारा कंप्लीट करूँगी, ट्राई करूँगी, अपना 100% दूँगी, क्योंकि 1 मंथ में मुझे रीजनिंग का सिलेबस एंड करना है। और उसके साथ साथ थोड़ा स्टैटिक पे लेके चलूँगी, स्टैटिक करूँगी और जो स्क्वायर क्यू है उसे मैं रिमेंबर करूँगी, कैलकुलेशन करूँगी डेली 15 मिनट्स। तो यही मैं करने वाली हूँ इस 21 डे हार्ड चैलेंज में, तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। जो मैं बताई हूँ अभी उसमें अगर कोई भी डॉट हो आप लोग को तो कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मैं नेक्स्ट लेटर सीरीज़ का वीडियो देखने बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करना है, तो मैं करने के लिए बैठ गई।
और इसे करने के बाद मैं फिर इसका क्वेश्चन लगाऊंगी पीयूष भारसनी सर का सीट से। तो मैं वीडियो कर ली हूँ, वीडियो करने के बाद 2 बज चुका था, 2 बजे से मैं सीट लगाना चालू कर दी हूँ, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहें। लेटर्स इसका क्वेश्चन मैं कर ली हूँ सीट से, सर का सीट से। तो इसे करने के बाद मेरा टाइम हो चुका था और मैं रेडी होके निकल गई थी। 3 से 7 मैं पढ़ाती हूँ, तो वापस आने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट कर ली हूँ। और करने के बाद मैं उसके बाद थोड़ा सा मार्केट गई थी क्योंकि मेरा पेन ख़त्म हो गया था, तो पेन लाना था मुझे। उसके बाद मैं अपना कैलकुलेशन की हूँ और स्क्वायर एंड क्यू याद की हूँ। इसे करने के बाद मैं ग्रामर करूँगी क्योंकि मुझे ग्रामर में वर्ब करना है, तो मैं ग्रामर कर रही हूँ। और मैं इसके बाद अपना जो टू डू लिस्ट बनाई हूँ मैं उसमें टिक आउट करूँगी। और अगर आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं कुछ जो क्लास की हूँ स्टैटिक का, वो मैं वीडियो नहीं ले पाई हूँ, तो प्लीज़ लाइक।